अलीजा के सफर में वेलकम है आप सबका। अस्सलामुअलैकुम। देखिए आज मैं फिर से आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यह गोश्त है, देखिए ये बकरे का गोश्त है, इस तरीके से लिया हुआ एकदम फ्रेश है। मैं अभी जाके लेके आई हूँ इसको, तो मैं अभी इसके अंदर आज हम बनाएंगे पुलाव। पुलाव बनाएंगे तो इस पहले गोश्त को हम दो सीटी लगा के लेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सीटी लगा के लूँगी दो सीटी, और उसके बाद का पूरा ये मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जो सामान लगेगा, मसाला वगैरह, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ इसको बॉईल आने के बाद। देखिए यहाँ पे मैं इस तरह गोश्त ले ली कुकर में। मैं एक चम्मच से नमक डालूंगी और थोड़ा सा काला मिर्च पाउडर डालूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं नमक डालूंगी एक चम्मच, एक चम्मच काला मिर्च हाफ से पूरा नहीं डाली, आधा चम्मच ही डाली हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके अंदर, इस तरीके से मैं पानी डालूंगी, इसमें दो सीटी निकाल दूंगी। देखिए यहाँ पे मेरा गोश्त मैंने जो बॉईल करने लगाया था हो गया है। तो मैं दिखाऊंगी मैं पुलाव के लिए क्या क्या सामान लूंगी। हम लोग बासमती राइस यूज करेंगे, देखिए इस तरीके से। अभी हम इसे भिगाया नहीं, अभी भिगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक कटोरी, मैं एक स्पून खाएगा। देखिए ये तीन चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, मीडियम साइज के चार प्याज ली हूँ यहाँ पे, दो मीडियम साइज के टमाटो ली हूँ, ये गार्निशिंग के लिए कोतम्बीर है, और ये क्योंकि मेरे हरे मसाले में है ना ज़रा मिर्ची कम रहती है, इसलिए चार मिर्ची मैंने कट करके इस तरीके से ली हूँ। और ये देखिए यहाँ पे है साजीरा, जीरा, दाल, लौंग, ये जावित्री, छोटी इलायची, फूल चक्री फूल है, ये बड़ी इलायची है, दो तेज पत्ता है, और ये दालचीनी है, और यहाँ पे काला मिर्ची है, काला मिर्च आता है वो है। देखिए हम इतना सब लेंगे पुलाव के अंदर, अभी हम लोग चढ़ाएंगे तो हम लोग दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने तेल ले चुके हैं, एक कप तेल है ये, इसमें हम लोग अभी तेल अच्छा गर्म हुआ है तो हम लोग डालेंगे कांदा। अम्मी यहाँ पे तेल गर्म हो गया है तो कांदे से पहले हम लोग तेज पत्ता, अभी सारा गरम मसाला डालेंगे। जो हमने आपको मसाला दिखाया था यहाँ पे सारा डाल दिए है, अब इसे अच्छा थोड़ा चलाएंगे। देखिए ये यहाँ पे भून के हो चुका है, तो इसके अंदर अभी हम डालेंगे एक प्याज, जो चार प्याज कटी हुई है वो मैंने इसे थोड़ा खुला करके रखी थी अंदर प्याले में। इसे हम अच्छे भूनने देंगे, देखिए इस तरीके से होते आ रही है, अभी अच्छे से और फ्राई होंगे तो मैं दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह कांदा हो चुका है, अभी हम यहाँ पे डालेंगे ना टमाटर, अभी टमाटर डालेंगे, जो मीडियम साइज की दो टमाटर कटी थी वो अभी हम यहाँ पे डाल देंगे। अब मैं इसको भी आपको फ्राई होने के बाद बताती हूँ। देखिए यहाँ पे कांदा टमाटो सब भून के हो गया है, तो अभी हम डालेंगे यहाँ पे हरा मसाला। हमने पूरा जो तीन चम्मच मसाला लिया थे पूरे डाले हैं। अब इसे भी अच्छा भून के लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मसाला हमारा भून रहा है, तभी हम डालेंगे यहाँ पे नमक। कितना, दो चम्मच नमक डाले हैं हम लोगों ने। अब हमने टेस्ट के हिसाब से डालिए नमक, नमक मैं ऐसे दिखाती हूँ ना आपके हिसाब से, आपके खाने के आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डाला कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा इस पर मसाला भूने जा रहा है, देखिए यहाँ पे अच्छे से मसाला भून गया है, देखिए पूरा तेल मसाले से अलग हो गया है। तभी इस यहाँ पे अभी हम डालेंगे गोश्त, जो हमने गोश्त बॉईल करके रखे थे ना, दो तीन सीटी गोश्त को लिए थे वो वाला। देखिए इस तरह गोश्त डाल दी हूँ गर्म, अब इसे ढक के रखेंगे। इस डेक्ची का ढक्कन शायद ऊपर गया, ये रहता है, ये रहता है मेरे ना। देखिए इस तरह हम अभी इसको ढक के रखेंगे। ये देखिए हमारे घर में जो पुदीना है, हम लोग पुदीना डालेंगे ना उसमें, ये देखिए यहाँ पे हम भी निकाल रहे हैं पुदीना, देखिए पुदीना निकल रहा है।
देखिए यहाँ पे एकदम ताजे पुदीने निकाल के हम लोग लाए, ज्यादा नहीं डालेंगे हम लोग, सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़े से ही डालेंगे। देखिए यहाँ पे गोश्त भी अच्छे से भुन गया है, जो गोश्त में जो पानी निकला था ना बॉईल किए थे तभी हम लोगों ने, वो भी हमने उसमें डाल के अच्छे से भून के देखिए इस तरीके सुखा के लिया है। अब मैंने यहाँ पे दही नहीं दिखाया था क्योंकि दही मैंने अभी दुकान से मंगाया था, देखो दही अभी मैं डालूंगी अंदर। ये 100 ग्राम दही है, ये देखिए ऐसी छोटी सी डब्बी मंगा के 100 ग्राम की है, वो मैंने डाली हूँ। इसे अच्छा हो अभी इसको भी भून के लेंगे इसके अंदर। यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा पुदीना लाए थे ना कट करके, वो हम लोग इसके अंदर अभी डाल गए। सिर्फ हम लोग खुशबू के लिए डालते हैं और थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे, बाकी का गार्निशिंग के लिए रखेंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे से पुदीना कोथमीर दही हो गया सब हो गया भून के, तब इसके अंदर हम डालेंगे जो बासमती चावल जो मैंने भिगा के रखी थी ना, वो आधा किलो है। हाँ ये 1 किलो गोश्त है ना, मैं 1 किलो गोश्त में आधा किलो हम लोग चावल डाल रहे हैं। क्या बच्चे वगैरह है ना तो जरा गोश्त खाना पसंद करते हैं इसके लिए। देखिए हम लोगों ने चावल अंदर डाल के उसको अच्छा 2 मिनट के लिए भाप लिया था, अभी हम इसके अंदर बॉइल पानी डालेंगे। देखिए 2 मिनट के लिए भाप पे रखा था चावल डालने के बाद, जो हम लोग यहाँ पे इसमें पानी डालेंगे। आप आधा किलो चावल तो आधा किलो गोश्त भी ले सकते हैं, हमारे घर में जरा ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए हम लोगों ने ज्यादा गोश्त लिया, या फिर 1 किलो गोश्त 1 किलो चावल इस तरीके से भी बनता है। क्या तो मैं नमक देखिए, हमें थोड़ा 2 चम्मच नमक कम लगा था इसलिए हम लोग और 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं अंदर। ये देखिए ये 1 ग्लास 1/2 किलो का है, तो मैंने ऐसे 2 ग्लास ली चावल, तो अभी मैं 4 ग्लास पानी लूंगी। देखिए यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो रहा है, कभी भी हमें चावल से ज्यादा पानी लेना है, अगर हमारा 1 ग्लास चावल है तो हमें 2 ग्लास लेना है, तो अभी मेरा 2 ग्लास चावल है तो मैं 4 ग्लास पानी लूंगी। देखिए अभी इस यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी बॉईल हुआ है ना, हम लोग हरी मिर्ची डालेंगे। देखिए इस तरीके से कट करके रखे थे ना, वो हम लोगों ने चावल या बासमती राइस भी 10 मिनट हम लोगों ने भिगा के रखे थे। देखिए यहाँ पे अच्छे से हो गया है, अभी हम लोग पानी यहाँ पे कम हो गया, देखिए बिल्कुल सूख गया है, तभी हम लोग इसके अंदर आलू फ्राई करके डालेंगे, बच्चों को खाना पसंद है ना इसके लिए। देखिए इस तरीके से आलू फ्राई करके हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि नहीं डालने का कोई इरादा था, फिर बच्चों के लिए डालना पड़ा। देखिए इस तरह डाल के भी यहाँ पे हम लोग इसे दम पे रखेंगे, ये हमारा चावल हो चुका। हम लोगों ने सिर्फ हरे मसाले में और गरम मसाले में बनाए हैं, लाल मिर्ची पाउडर मतलब कोई एक्स्ट्रा मसाला हम लोगों ने यूज नहीं किया है, वो भी खड़ा गरम मसाला ही यूज किया है, पाउडर भी यूज नहीं किया, इसलिए हमारे पुलाव का इस तरह कलर है। देखिए अभी मैं यहाँ पे दम पे रखी थी ना, तो अभी मैं खोल के देख रही हूँ, देखिए आपको भी दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह बड़ा प्यारा दम पे आया है, देखिए इस तरह हुआ है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है चलो, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह मम्मी मस्त बनी है, अभी खा के बताती हूँ मैं अब सबको कैसी बनी है हमारी, हमारा पुलाव बिरयानी पुलाव और बिरयानी राइस डाला हुआ है ना। देखिए यहाँ पे पुलाव हमारा रेडी है, देखिए सलाद है, नींबू है, और ये मैं थोड़ी सी और पुदीने की पत्तियाँ निकाल के लाई थी, वो इसे गार्निश करूँगी, खाने में मस्त लगती ना पुदीने की पत्ती। देखिए यहाँ पे हमारा खाना तैयार है, मैं आपको खा के दिखाती हूँ।
एक नंबर अम्मी। मस्त बना है, अम्मी अभी खा के देखो।